मसल गेन कैसे करें देखो अगर आप सच में बड़ा होना चाहते हो या फिर मसल मास गेन करना चाहते हो तो आपको ये दो चीजें जानना काफी जरूरी है पहला आप पूरे दिन में क्या खाते हो और कितना खाते हो दूसरा कि आपको पूरे दिन में क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए और हम कोशिश करें कि इस वीडियो में हम जितना हो सके मसल मास बढ़ाने की बात करें बिना सप्लीमेंट के मसल मास गेन करने के लिए एक सही न्यूट्रिशन कितना जरूरी है पहले ये जान लेते हैं एक सही न्यूट्रिशन के सही क्वांटिटी होने से आपके बॉडी को रिकवर होने में काफी कम टाइम लगेगा और आपके मसल्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी जल्दी तैयार होंगे साथ ही अगर आप सही न्यूट्रिशन फॉलो करते हो और एक बैलेंस डाइट रखते हो उससे आपकी जो मसल मास है वो गेन होने में काफी ज्यादा होगा तो अब हम जान लेते हैं कि आपको पूरे दिन में कितना कैलोरी खाना होगा तो देखो 55 से 70 के बीच वाले वेट में आप लगभग में, में दे दूंगा जिससे आपको पूरी अच्छे तरीके से वो समझ आ जाएगी सिंस इस वीडियो में मैं नॉन डाइट के बारे में ही बात करने वाला हूँ तो हम जान लेते हैं कि कौन से ऐसे ऑप्शन है जो आप खा सकते हो पूरे दिन में देखो आप अंडे ले सकते हो जो कि

और टमाटो और ऑनियन आप काफी सारी चीजें डाल सकते हो अपने ऑमलेट में और उसके बाद हम लेंगे एक कप मिल्क लो फैट मिल्क देन टू ब्राउन ब्रेड जो कि आपका एक काफ सोस रहेगा जिससे आपको थोड़ा एनर्जी मिलेगा अपने डे को अच्छे से स्टार्ट करने में लंच टाइम में आप ले सकते हो ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट और जाएंगे आपका मसल उतना अच्छा गेन होगा वर्कआउट से पहले प्री वर्कआउट मील में लेने वाले हैं हम थ्री बॉइल्ड एग एक पोटेशियम रिस्ड बनाना और टू ब्राउन ब्रेड विथ समीनट बटर इससे आपको वर्कआउट में काफी अच्छा पंप मिलेगा डिनर के लिए हम लेंगे फिस या फिर चिकन डेढ़ सौ ग्राम विथ टू चपाती और उसके बाद हम कोशिश करें कुछ ना खाएं बट अगर हमें भूख लगी होगी तब हम एक प्रोटीन सेक बनाएंगे बनाना मिल्क पीनट बटर एंड ओट्स ओट्स इसमें रहेगा 100 ग्राम बनाना रहेगा एक पीनट बटर आप डाल सकते हो वन स्कूप और टू स्कूप और मिल्क लो फैट रखना वन कप और बाकी आप पानी डाल सकते हो जिससे काफी अच्छा आपका एक प्रोटीन सेक बनेगा जो आपको मसल मास गेन करने में हेल्प करेगा और आपके एंड के कैलोरीज कंप्लीट करने में भी हेल्प करेगा प्रोटीन के साथ काफ्स और फैट का एक सही बैलेंस रखें क्योंकि अच्छा ओट्स या फिर स्वीट पोटेटो और फैट में आप पीनट बटर या फिर ड्राई फ्रूट ले सकते हो सही डाइट के साथ साथ आप अपने वर्कआउट का भी ध्यान रखे वर्कआउट को थोड़े अच्छे से करें और कोशिश करे की जितना हो सकता है आपका कंपाउंड मूवमेंट ज्यादा हो जैसे स्क्वाड बेंच डेडलिफ्ट तो अपना ट्रेनिंग का ध्यान रखो और रिकवरी प्रोसेस पे भी ध्यान दो आपको वीक में एटलीस्ट वन या टू डे रेस्ट लेना होगा प्लस आपके स्लीपिंग प्रोसेस भी अच्छा होना चाहिए जिससे आपका मसल मास गेन होने में काफ़ी हेल्प होता है 16 से लेकर 22 तक आपको जो भी गेन मिलने वाला है वो एक अच्छे स्लीपिंग प्रोसेस से मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पर आपका प्योरिटी हिट होता है और स्लीपिंग प्रोसेस के टाइम पर ही आप जो ग्रो करते हो वो ग्रो करते हो तो ये था एक शॉर्ट एंड सिंपल डाइट जो आप अभी फॉलो कर सकते हो स्टार्टिंग में अगर आप बिगनर हो तो आगे जाकर अगर आपको कट करना है तो उसके लिए एक अलग डाइट हम बता सकते हैं बट ये डाइट हर एक बंदे पे फिट होगा अगर वो जिम जाता है जिम नहीं जाता है अगर वो सिर्फ रनिंग करता है वो कोई भी गेम खेलता है या फिर वो किसी ऑफिस में काम करता है या फिर स्टूडेंट है ये सभी पे सेट करेगा तो आप इसे फॉलो करो और मुझे बताओ कि आपके मसल मास में कितना इम्प्रूवमेंट आया है और अगर इन सब के बाद भी आपका डेली का प्रोटीन हिट नहीं होता है then I will suggest you some protein. और जहाँ तक मुझे पता है मार्केट में मसलबे का बायोजॉन परफॉर्मेंस वे काफी अच्छा प्रोटीन है और हाल ही में इन्होंने एक नया फ्लेवर भी लॉन्च किया है चोको प्रिस्फर जो कि काफी अमेजिंग है मैंने अभी हाल में ट्राई किया था और इसमें मिलता है आपको ट्वेंटी ग्राम ऑफ प्रोटीन वन फोर्टी कैलरी एंड सिक्स ग्राम ऑफ काफ्स जो आपके वर्कआउट के लिए काफी अच्छा होगा तो अभी जाओ ऑर्डर करो और मेरा कोड यूज करना मत भूलना ए के